वैलेंटाइन डे के पहले दिन यानी 7 फरवरी को दुनिया के सभी देशों में एक साथ रोज डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोग अपने सबसे करीबी रिश्तों को गुलाब देकर अपनी स्पेशल फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हर साल 7 फरवरी यानी रोज डे से होती है। यह दिन बुरी तरह से गुलाब के फूल को समर्पित है। इस दिन लवर एक दूसरे को रोज देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। यह प्यार का त्योहार रोज डे शुरू होकर वैलेंटाइन डे तक चलता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि रोज डे मनाया क्यों जाता है। ऐसे में आपको पहले रोज ये जान लेना जरूरी है कि अलग अलग रंग का गुलाब का फूल क्या कहता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत फूल देकर अपना रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म कर लें। गुलाब का फूल अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा मूक प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा एक मान्यता के मुताबिक महारानी विक्टोरिया के समय में लोगों ने अपनी ना बताई जाने वाली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए गुलाब के फूल के आदान प्रदान करने की परंपरा की शुरुआत की गई, जिसमें लाल गुलाब प्यार और जुनून का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा अन्य रंगों के गुलाब के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो आइए जानते हैं गुलाब के फूलों के रंग का मतलब। सबसे पहले आता है लाल गुलाब यानी के रेड रोज। आम तौर पर लोग अपने चाहने वालों को लाल गुलाब देना पसंद करते हैं, क्योंकि लाल गुलाब को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन लाल गुलाब भावुकता, लालसा और प्यार की गहराई को दर्शाता है, इसलिए इससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद आता है गुलाबी गुलाब यानी के पिंक रोज। गुलाबी रंग के गुलाब का तारीफ और प्रशंसा के लिए दिया जाता है। गुलाबी गुलाब ग्रेस और अपनेपन को दर्शाता है। इसे खुशी को दिखाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद बारी आती है पीले गुलाब की यानी के येलो रोज। पीला गुलाब दोस्ती का रंग माना जाता है। ये सामंजस्य, खुशी और अपनेपन और सच्चाई को दर्शाता है। इसलिए अगर आपको किसी से दोस्ती की शुरुआत करनी है तो उसे पीला गुलाब गिफ्ट करें। इसके बाद आता है सफेद गुलाब यानी के वाइट रोज। सफेद रंग का गुलाब पवित्रता, शांति और एकता का रंग माना जाता है। इसके साथ ही ये शाश्वत और शुद्ध प्रेम को दर्शाता है। ऐसे में अगर आप अपने रिश्ते को लंबे समय तक बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने पार्टनर को सफेद गुलाब का फूल गिफ्ट करें। इसलिए शादियों में भी सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सफेद फूल होता है। इसके बाद आता है नारंगी गुलाब यानी के ऑरेंज रोज। गुलाब का यह रंग जुनून और कृतज्ञता को दर्शाता है। यह उत्साह, इच्छा और उल्लास को दर्शाता है। आप अपने प्रेमी को अपने प्यार में जोश और उत्साह लाने के लिए भी नारंगी गुलाब को गिफ्ट दे सकते हैं।